ये जानवर का बीमारी है। एक जानवर जहाँ पर मर जाता तो वहाँ 50 जानवर मर जाते हैं उसी समय उसी साइट। खबर रीवा से है, जहाँ शहर में बीते कई दिनों से सुअरों की मौत का सिलसिला जारी है। पहले एक हिस्से में मौत हुई, बाद में दूसरे स्थानों पर भी बीमारी फैल गई है, जिससे मौत लगातार हो रही है। इस मौतों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। वहीं दूसरी ओर मवेशियों में होने वाली एक नई बीमारी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यह खास तौर पर दुधारू प्रजाति के मवेशियों में अधिक होती है। आपको बता दें, लंपी स्किन डिसीज नाम की यह बीमारी अभी रीवा जिले में अधिक नहीं है, लेकिन जिस गति से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में यह बढ़ रही है, उससे आशंका है कि पशुपालकों की परेशानी बढ़ सकती है। पशु चिकित्सा विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को कहा गया है कि वह निगरानी रखें। शनिवार को करीब आधा दर्जन से अधिक संख्या में सुअरों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर नगर निगम में उठाव कराने के बाद निस्तारण के लिए भेज दिया। इसके पहले गुड़ चौराहा, धोबिया टंकी का रानी तालाब, मल्यान टोला, बिछिया चौराहा आदि क्षेत्रों में ही मौत हो रही थी। अब दूसरे क्षेत्रों में भी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। हो गया है, शुरू से बताइए आप, और क्या चाहती हैं आप? हमारे जो ये सुअर, हम लोग सुअर पालने वाली चाहती हैं। हम लोग का सुअर जो मेन पूंजी है इस शहर में, रानी तालाब, नवा तालाब में सुअर बिल्कुल, नया तालाब के बिल्कुल खत्म हो गया है। एक भी आपको कहीं सुअर दिखता है? कहीं नहीं दिखता। सुअर मर जाने के बाद इतना गंदगी नया तालाब में हो गई है कि यहाँ बीमारी आने का संभावना हो गई है। यहाँ का जो बीमारी जिसको लग जाता वो बीमार हो जाता। अभी हमारी बच्ची तालाब की तरफ उतरी थी 3 दिन पहले, उसके यहाँ का हवा लग गया, तुरंत बीमार हो गई। उसको चक्कर मारा और वो गिर गई। बोलती है कि हमारे पेट में गंदगी भर गया। मैंने स्टोर ले गया, मैंने भैया को बोला, भैया हमारी बच्ची के गंदगी लग गया, सिर में दर्द हो रहा, बुखार भी आ गया। उस भैया ने इलाज किया, अब आज सही है। लेकिन हमारी सब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ की गंदगी हटाई जाए। हम लोग का जो जानवर खंडित हुआ वो हमारी मेन पूंजी है। हम लोग का शासन से विनती है कि हम लोग को मुआवजा दिया जाए। जानवर क्यों मर रहे हैं? जानवर ये कि हैया है ये बीमारी, उनकी बुखार आती है, उनका दस्त लगता है, पानी में घुस जाते हैं। अब पानी पीते पीते ये गंदा मर जाते हैं। उनकी बुखार आती है और उनका गला में जो गला बहुत बड़ा हो जाता, मोटा। ऐसे कितने जानवर हैं जो यहाँ पर मर चुके हैं? यहाँ कम से कम ये 2-3 हजार जानवर थे तो यहाँ कम मर चुके हैं इस नया तालाब का। ये कब से बीमारी जानवरों में यहाँ पर आई है? ये कम से कम 10 दिन हो गया, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। 10 दिन के अंदर इतने जानवर मर गए? ये आए दिन 4 गाड़ी 4 नगर निगम का गाड़ी लगी थी गुड़ चौराहे में, रोड डेली पूरा सुबह से लेकर शाम तक ढोती थी। नगर निगम आपका प्रभुपन नगर निगम आप। अब आप क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की गंदगी हटाई जाए। जो हम लोग का मैन पूजी खंडित हुआ तो सरकार से हमारी विनती, हम लोग को सहायता दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिट्टी बंसल। आपके पास कितने जानवर थे? हमारे पास कम से कम 11 मुड़ा जानवर थे, तो हमारा 7 जानवर मर गया, खंडित हो गया। हमारे बेटे के पास भी थे 10 जानवर, तो उसका भी 4 जानवर मर गए हैं। अभी हम लोग हटा के गांव में डाल दिए तो बच गए। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमसे भी ज्यादा हमारे भाई लोगों के जानवर, 100-100 मुड़ा जानवर इस तालाब में खंडित हो गए। यहाँ से जानवर शहरों में घूमते हैं इस वो पर... शहर में भी बीमारी नहीं गया है, ये सिर्फ मोहल्ला में ये बीमारी अभी घूम रहा है। हाँ। ये रानी तालाब के क्षेत्र जो ये 40-40 बार के आशय, ये जानवरों की बीमारी है कि आदमियों में भी? हाँ, है। एक जानवर से दूसरे जानवर को हो जाएगी? एक जानवर जहाँ पर मर जाता तो वहाँ 50 जानवर मर जाते हैं उसी समय उसी साइट। सोच लो, एक को हटाते हटाते 10 जानवर वहाँ गिरे मिलेंगे, ऐसी बीमारी है। 8-8 आदमी उठाए उसके, 1 क्विंटल मेरा जानवर रहे थे। वो क्या हो गया? मर गए। कैसे मर गए वो लोग? वो सब मर गए इसी गंदगी के कारण से। अच्छा। हाँ। तो ये गंदगी में ही रहते हैं? अलग से इनका बाड़ा वाड़ा बना के नहीं रखते आप लोग? बाड़ा वाड़ा सब बनाए के बाद यहाँ गंदगी फैल जाती है। तो गंदगी से मर रहे हैं कि आपके बाड़े में नहीं है? बाहर सड़क में घूमते हैं और तालाब में घूमते हैं? नहीं, सभी यहीं घूमते हैं, बाहर नहीं घूमते, कहीं यहीं घूमते हैं। कितने जानवर थे आपके पास? 7 जानवर हमारे पास। तो 7 में कितने बचे? एक ही नहीं बचे, 7 मर गए। उनको क्या किया? सब नगर निगम वाले में गाड़ी में लदवा दिया। कब से, कब की बात है ये? 10 दिन के बाद हुई। 10 दिन से लगातार मर रहे हैं? हाँ, एक साथ ही मर गए। बस वो नगर निगम की गाड़ी आई, गुड़ चौराहा ले जाके लदवा दी। ये कैसे पता चला है कि आपका जानवर है ये? वो जानवर का पता चला के आते हैं, जिसका जानवर था उसके घर में जाके मर जाता है।